अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये 10 ड्रामे हाल ही में रिलीज हुए हैं और इन्होंने ऑन एयर होते ही धूम मचा दी है। नए ड्रामे पुराने ड्रामा से ज्यादा अपडेटेड हैं और इनमें जो कहानियां दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत पर ही मुबनी हो। आज के वीडियो के ड्रामास भी इन्हीं नई कहानियों के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, एहरामे जुनून। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून एक नया ड्रामा है। इस ड्रामे ने देखने वालों को अपने साथ बांध लिया। ड्रामे में आप एक ऐसी लड़की देखेंगे जो कि प्यार में सब कुछ लुटाने को तैयार बैठी है। उसके पास दौलत है और वो दौलत बस अपनी मोहब्बत पर लुटाना चाहती है, हालांकि वो लड़काओं से प्यार भी नहीं करता। दूसरी तरफ एक ऐसी लड़की है जिसको मोहब्बत तो हासिल है, लेकिन वो दौलत की तलाश में है, मोहब्बत की कदर नहीं करती। ड्रामे में लव ट्रायंगल दिखाया गया है। मेन रोल में नीलम मुनीर, इमरान अब्बास और निमरा खान हैं। ड्रामा बहुत ही मजे का है, बस नीलम मुनीर का मेकअप कुछ ज्यादा ओवर कर दिया गया है। नंबर 9, तेरे हुसन के नाम। तेरे हुसन के नाम एक रवायती कहानी पर मबनी सीरियल है। इस ड्रामे में पहली मर्तबा इमरान अब्बास और सबा कमर ने एक साथ स्क्रीन शेयर की है। तुम्हारे हुसन के नाम में सबा, सलमा और इमरान अब्बास सिकंदर का किरदार अदा कर रहे हैं। ड्रामे की कहानी सलमा और सिकंदर की मोहब्बत की कहानी है, जिसकी शुरुआत उन दोनों किरदारों की जमाना तालिब इल्म से होती है। तहम इन सलमा और सिकंदर को मोहब्बत मिल पाएगी या नहीं। इस ड्रामे में इमरान अब्बास को एक गरीब आदमी दिखाया गया है जिसका ताल्लुक एक छोटे से गाँव से बताया गया है। ड्रामे में सबा इमरान के अलावा असद सिद्दीकी, सलमान शाहिद, सिद्धान्याजी शामिल है। इस ड्रामे की हिदायत दी हैं साकिब खान ने, जिनके साथ सबा कमर इससे पहले फिल्म घबराना नहीं है कर चुकी हैं। नंबर 8, 22 कदम। 22 कदम एक नया ड्रामा सीरियल है। ड्रामे में हरीम फारूक ने फारी का किरदार निभाया है, जो कि कौमी सतह पर क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखती है। फारी का ये महज ख्वाब नहीं है, बल्कि क्रिकेट खेलना उसका जज्बा और उसकी जिद है, क्योंकि वो समझती है कि ये ख्वाब उसको अपनी जिंदगी अपने तौर पर जीना सिखाएगा। फारी अपने ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। ट्रेलर से मालूम होता है कि फारी इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जिस्मानी, जज्बाती और नफसियाती तौर पर जदोजहद करती है। एक जगह फारी का डायलॉग है कि आज हम क्रिकेट मैदान में हारें या जीतें, चाहे मुझे मैदान में अकेले ही क्यों ना खेलना पड़े, मैं खेलूंगी। मैदान छोड़कर डरकर भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फारी के ख्वाब और अज़्म को पूरा करने के लिए जुनेद उसकी हिमायत करता है। जुनेद का किरदार वर्सटाइल अदाकार वहाज अली ने निभाया है। जुनेद एक क्रिकेटर है जो फारी की तरह मेहनत और जज्बा रखता है और कौमी स्क्वाड में मुंतखब होने के लिए अपनी जदोजहद जारी रखता है। जुनेद एक क्रिकेटर होने के साथ साथ फारी की टीम का कोच भी है, जो उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में खेलने की तरबियत देता है। ट्रेलर में उन्हें मुतअद्दिद जगह फारी और उसकी टीम की हौसला अफजाई करते देखा जा सकता है। मुख्तसरन, जुनेद शिकस्त को फतह में बदलने पर यकीन रखता है। 22 कदम जैसी कहानी की अहमियत और जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। नंबर 7, कॉलेज गेट। कॉलेज गेट एक नया ड्रामा है जिसमें स्टूडेंट्स कॉलेज का माहौल और घर के हालात डिस्कस किए जा रहे हैं। ड्रामे की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले पोस्ट तलबा के गिर्द घूमती है, जिन्हें अपनी तालीमी जिंदगी के साथ साथ निजी और घरेलू मामलों में भी परेशानियों का सामना है। इस ड्रामे के कास्ट में जरार खान, नटालिया कैस्टेलो, शाहिद खाकान, शाहनवाज, हिना चौधरी, मामिया शाह जाफर, जावेद शेख, सबा हमीद और उस्मान पीरजादा शामिल हैं। कॉलेज गेट को देखकर नेटफ्लिक्स की मशहूर स्पेनिश सीरीज एलीट और इसके हिंदी रीमेक क्लास से मुमासलत जाहिर होती है। 2018 में रिलीज होने वाली स्पेनिश सीरीज एलीट में तलबा एक पोस्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं, लेकिन वहाँ दो मुतजाद तबकात के तनाजात खौफनाक सूरत हाल का रुख अख्तियार कर लेते हैं। नंबर 6, जिंदो। जिंदो हाल ही में शुरू होने वाला एक शानदार सीरियल है। जिंदो देखते ही जो पहला किरदार तारीख की और आग से जहन के कैनवस पर उभरता है, वो झांसी की रानी का है। माई जिंदो ड्रामे में जिस तरह जुल्म के खिलाफ इस्तारा बनी है, वैसे ही झांसी की रानी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ मजाहमत की थी। तारीख में लिखा है कि लक्ष्मी बाई की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई थी। उसके बाद की तारीख अपनी जगह, लेकिन इसका मकसद वो एक बहादुर औरत की अलामत बनी और आज तक इसी पहचान से जिंदा है। ग्रीन एंटरटेनमेंट आया और आते ही इसने नाजरीन में अपनी जगह बना ली और मकबूलियत की फहरिस्त में दर्जा अव्वल में शामिल हो गया। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजर को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है, जो तारीख में तो मिलती है, अब उसका मस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक और खसूसियत ड्रामे की जुबान है। इस जुबान में शायद ये पहला टीवी ड्रामा है। ये जुबान पंजाबी है, ना सरायकी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये जुबान या बोली जिंदा है और यहाँ इसे रंगड़ी कहा जाता है। सहराई औरत की दलेरी और वहाँ की तहजीब व तमद्दन, ज़रबुल मिसल, मौसीकी, सब पे जैसे मुसन्निफ का मुताला वसत का हामिल है। नंबर 5, गुरु। गुरु तीसरी जिंस के मुतालिक कहानी है।
ड्रामे में टाइटल किरदार यानी गुरु का किरदार अली रहमान खान अदा कर रहे हैं। गुरु का किरदार करने में बहुत मेहनत और वक्त सर्फ हुआ, अब तक इसकी एक्सबंदी चल रही है, इसलिए अली रहमान खुश हैं कि इनकी मेहनत रंग ला रही है। अपने किरदार के बारे में उनका कहना था कि एक अदाकार को इस तरह के किरदार की जरूरत होती ही है, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ किरदार मिलते जुलते ही होते हैं, इसलिए जब कोई मुनफरद किरदार मिले तो फौरन झपड़ पड़ना चाहिए, इसलिए पहले ही मुलाकात में हामी भर ली थी और कहा कि ये तो मुझे ही करना है। अली रहमान के मुताबिक ये बहुत अच्छी और एक बहुत इंसान दोस्त कहानी है, जिसे करने का अपना ही लुत्फ है। मैंने कभी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे या टाइप कास्ट कर लेंगे, क्योंकि इतना काम करते हुए यहाँ तक आया हूँ और फिर एक अदाकार को और क्या चाहिए। अली रहमान ने गुरु के किरदार के लिए काफ़ी तहकीक भी की और उनके मुताबिक अगर वो इसके बगैर ये किरदार करते तो शायद मुख्तलिफ अंदाज में करते। नंबर 4, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में बहुत ही क्यूट लव स्टोरी दिखाई गई है। ड्रामा मोहब्बत गुमशुदा मेरी ने इस सच्चाई की तरफ इशारा किया है। ड्रामा नौजवानों में बेहद मकबूल है, इसकी शोहरत सरहद पार तक से पुकार पुकार कर कह रही है कि एक बार हमारी टीनेजर नस्ल की बात तो सुने। ये तो फिफ्थ जनरेशन बार की बात हुई है, लेकिन जवानी हमेशा इतनी ही ताकत से आती है कि समझने समझाने का मौका नहीं मिलता। ड्रामा इस्लामाबाद के जदीद कल्चर में नौजवानों के जज्बाती मसाइल और उनके वालिदैन के तजुर्बाती मसाइल दिखा रहा है। अच्छी बात यह है कि वालिदैन ने हालात के मुताबिक लचक दिखाई है। एक जवाब पर मुबनी मुकालमा हो रहा है, जिसमें दोनों नस्लों की मजबूरियां आमने सामने हैं। दोनों ही नस्लें सच्चाई पेश कर रही हैं, लेकिन दोनों की सच्चाई अपने अपने वक्त की सच्चाई है। साइन कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है, और साइम तो शायर और गुलकार भी है, हसास इंसान है। जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है, मगर उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो किसी मुनासिब फील्ड में जाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं, जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है, इसलिए दोनों टीनेजर नस्ल के नुमाइंदे हैं। नंबर 3, झोंक सरकार। झोंक सरकार सियासी पसे मंजर पर बनाई गई सीरियल है। झोंक सरकार EFI से हाल ही में नशर होने वाला मुनफरिद ड्रामा है, जिसकी इब्तदाई चंद एक साथ नहीं खासी मकबूलियत हासिल कर ली है। याद है ड्रामे के मुसन्निफ हाशिम नदीम इससे पहले भी कई शाहकार ड्रामे तख्लीक कर चुके हैं, जिनमें खुदा और मोहब्बत, रक्स बिस्मिल, परिजात, विसाल और इश्क ज़ह नसीब शामिल हैं। इनका हर किरदार इनफरादी नौयत का हामिल है। पाकिस्तानी ड्रामे लंबे अरसे से यकसानियत का शिकार है, वही सास बहू के झगड़े, घरेलू सियासतें, धोखा, फरेब और इस दवाजे जिंदगी के मसाइल और तलाकें। ऐसे में झोंक सरकार अपनी कहानी के अतबार से मुख्तलिफ नजर आता है। इस तरह के ड्रामे पहले PTV की पहचान हुआ करते थे। इस ड्रामे में सिंध में मौजूद वडेरों के निजाम और बिलखसूस कच्चे के इलाके को मौजू बनाया गया है, जो अपनी लाकानूनियत की वजह से खासा बदनाम है। इस ड्रामे के चंद मरकजी किरदारों में पहला किरदार जालिम वडेरे पीरल का है, जिसकी दो बीवियाँ और एक बेटा मीरल है, लेकिन इसके बावजूद वह गांव की औरतों को अपनी मलकियत ही तसव्वुर करता है। उसका बेटा भी उसके नक्शे कदम पर गामजन है और मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। यहां तक इन वडेरों ने इलाके के जरखरीद SHO को भी अपना जरखरीद गुलाम बनाया हुआ है। नंबर 2, नीम। ड्रामा सीरियल नीम एक शानदार स्टोरी है, जिसमें काफी स्टार हैं। काशिफ अनवर के तहरीर करदा ड्रामे की कास्ट में माबरा हुसैन, अरसला नसीर, सैयद जबरान, अमीर गिलानी और शमाल खान शामिल हैं। इसमें सैयद जबरान ने जालिम जागीरदार का किरदार अदा किया है। ड्रामे की हिदायत शहजाद कश्मीरी ने दी हैं और ये हम TV पर नशर हो रहा है। नंबर 1, बेबी बाजी। बेबी बाजी ड्रामा एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूमता है, जिसकी सबसे बड़ी बहू इंतहाई लालची और खुदगर्ज औरत होती है, जिसकी वजह से उनका पूरा घर बिखर कर रह जाता है। ड्रामा मकबूलियत की ऊंचाई को छूने के साथ साथ आवाम के दिलों पर भी अपना गहरा असर छोड़ रहा है। इस ड्रामे में वालिद के इंतकाल के बाद वहाँ हफ्ते कुछ एक साथ में ऐसे पहलू दिखाए गए हैं, जिनको सारिफिन की जानिब से सराहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारिफिन ने ड्रामे में वासिफ नामी किरदार को तनकीद का निशाना बनाया है। ये ड्रामा सीरियल अद्रीस प्रोडक्शन की जानिब से पेश किया गया है, जिसे मंसूर अहमद ने तहरीर किया है। तहसीन खान की डायरेक्शन में बनने वाले इस ड्रामे की कास्ट में मुनव्वर सईद, समीना अहमद, साउथ कास्ट में जवेरिया साउद, हसन अहमद, सुनीता मार्शल, जुनेद नियाजी, तूबा अनवर, फजल हुसैन और अनासिब शामिल हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।